रुड़की के एक निजी अस्पताल में सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे ऑक्सीजन खत्म होने से 5 कोरोना संक्रमितों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि प्रशासन को रात 10 बजे ही फोन पर ऑक्सीजन की कमी की सूचना दे दी गई थी, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं प्रशासन के अनुसार केवल मैसेज भेजकर लिक्विड ऑक्सीजन की मांग की गई थी, जबकि सुबह पता चला कि अस्पताल के पास पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं थे। अस्पताल के पास पर्याप्त ऑक्सीजन बैकअप भी नहीं है। रुड़की के विनय विशाल अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया गया है। फिलहाल यहाँ 85 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। सोमवार देर रात अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी। ऑक्सीजन आपूर्ति के प्रयास के बीच 1:30 बजे ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई। करीब 20 मिनट बाद जब तक ऑक्सीजन पहुंची और आपूर्ति सुचारू हुई, तब तक वेंटिलेटर पर लेटे एक मरीज सिलेंडर से ऑक्सीजन ले रहे 4 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। उपरोक्त तथ्यों की जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय रुड़की द्वारा 2 चिकित्सकों की टीम बनाकर आपूर्ति की गई ऑक्सीजन का दैनिक ऑडिट करेंगे। ऑडिट के दौरान तथ्यों की जांच भी की जाएगी। उक्त चिकित्सालय में कितने मरीज प्रतिदिन भर्ती रहे हैं और मरीज के हिसाब से कितनी ऑक्सीजन की खपत हुई है, साथ ही ऑक्सीजन का कितना भंडारण रहा है, इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि जांच करने वाले डॉक्टर्स की टीम पीपी किट पहनकर कोविड 19 वार्ड में जाकर विस्तृत जांच करेंगे और 3 दिन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। रुड़की से इंतजार रजा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।